अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से है, जहां आरोन थाना क्षेत्र के बनहेरी गांव में पिछले 7 दिसंबर से एक महिला द्वारा दर्ज कराए गए गैंगरेप के मामले में सभी आरोपियों को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में सरपंच विक्रम रावत, अजब सिंह, राम गोपाल, पंचम रावत एवं गिरिराज रावत को आरोपी बनाया गया था। खास बात यह है कि राम निवास रावत की पूर्व में हत्या हो चुकी है। इसमें इंदौर में पदस्थ रहे ईपीएफ कमिश्नर मुकेश रावत का भी नाम उछला था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता पूरन सिंह राणा का कहना है कि हत्या के मामले में ईपीएफ कमिश्नर का नाम भी उछला था। उनके कहने पर ही इस मामले में सरपंच सहित 5 लोगों को बलात्कार के मामले में आरोपी बनाया गया था, लेकिन न्यायालय ने इस प्रकरण में साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। अब दोषमुक्त किए गए सभी आरोपी अपनी मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करवाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, 22 दिसंबर 2022 को थाना आरोन में अभियोगी के द्वारा विक्रम रावत, राम गोपाल, पंचम, अजब सिंह, गिरिराज निवासीगण बनहरी के खिलाफ धारा 376 की तमाम धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया था। अभियुक्ति ने जो मामला दर्ज कराया था, इसमें जो अपोजिट पार्टी है उसने षड्यंत्र पूर्वक इन लोगों को जो रंजिश है, जिसमें 35302 का मुकदमा चल रहा है, जिसमें मुकेश रावत, भूषण रावत ये 7-8 लोग जो मुजरिम हैं, उन लोगों ने अभियुक्ति को बरगला करके ले गए थे, अपने दबाव में ले जा करके इन लोगों के साथ असत्य आधार पर जो मुकदमा दर्ज कराया, जिसकी ट्रायल माननीय न्यायालय में हुई, जहाँ मामला असत्य पाया गया, झूठा पाया गया, इस आधार पर माननीय न्यायालय ने इन सारे अभियुक्तों को दोषी कर दिया।